फरमाइए। शुरू कर दिए। आपके पास 100 रुपया है और 100 रुपये को खर्च करने हैं। अब जैसे 40 रुपया मैं पहली बार कोई वस्तु ले रहा हूं, तो आपके पास बचे कितने? 60 रुपीज। उसके बाद मैं आपको कहता इस 60 में से आपको 30 और भी इन्वेस्ट करना है। अब उसके बाद आपको बचे कितने? 30। उसके बाद आपको 18 रुपये फिर से खर्च करना है, तो बचे कितने? 12। और उसके बाद 18 खर्च करना है तो बचे कितने? 12। फिर से 12 खर्च करना है तो बचे कितने? 0। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करेंगे तो आपको इधर 100 और इस इधर 102 मिलेंगे। आंसर क्या होगा ये जानना है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।